असलकुम आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी इस टॉपिक को जो है वो समझने के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल ट्वेंटी नाइन टू फोर्टी देखने होंगे आर्टिकल ट्वेंटी नाइन टू फोर्टी जो है वो प्रिंसिपल्स ऑफ़ पॉलिसी से डील करते हैं इससे पहले हम जो है इस टर्म को अंडरस्टैंड कर लेते हैं कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी का मतलब क्या है अगर हम उर्दू में देखें तो इसका मतलब है रियासत साजी के बुनियादी असूल यानी कि एक स्टेट जो है उसको अपने सिटीजन की वेलफेयर के लिए अपनी स्टेट की डेवलपमेंट के लिए बेहतरी के लिए इन प्रिंसिपल्स को देखना पड़ेगा अगर वो इन प्रिंसिपल्स पे अमल करती है तो वो एक बेहतर बेहतरीन जो है वो स्टेट हो सकती है वो अपने सिटीजन को बेहतरीन जिंदगी मुहैया कर सकती है अब ये वो प्रिंसिपल्स हैं जो किसी भी स्टेट ने ऑब्जर्व करने हैं अपने फंक्शंस को परफॉर्म करने के लिए अब जैसा कि मैंने यहाँ लिखा है नॉन ऑपरेटिव पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन तो इसका क्या मतलब है इसका मतलब ये कि अगर कोई स्टेट या कोई ऑर्गन या अथॉरिटी इन प्रिंसिपल्स को ऑब्जर्व नहीं करती तो ये आप इसके खिलाफ जो है वो कोर्ट में नहीं जा सकते इसके इन्फोर्समेंट के लिए तो इसका मतलब है कि ये नॉन ऑपरेटिव है आप इसको जो है वो इन्फोर्स नहीं करवा सकते तो ये आगे चल के मैं आपको बताऊंगी कौन सी प्रोविजन इसको नॉन ऑपरेटिव बनाती है तो आर्टिकल ट्वेंटी नाइन से शुरू करते हैं आर्टिकल ट्वेंटी नाइन कहता है कि द प्रिंसिपल्स सेट आउट इन दिस चैप्टर शैल बी नाउन एज प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी कि इस चैप्टर में जो प्रिंसिपल सेट किए गए हैं उनको प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी कहते हैं एंड इट इज़ द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ ईच ऑर्गन एंड अथॉरिटी ऑफ द स्टेट ये स्टेट के हर ऑर्गन और अथॉरिटी की जिम्मेदारी है एंड ऑफ ईच पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शंस और हर उस बंदे की जिम्मेदारी है जो कि उस ऑर्गन या अथॉरिटी की बिहाफ पे काम कर रहा है टू एक्ट इन अकॉर्डेंस विद दो प्रिंसिपल्स इन प्रिंसिपल्स के अकॉर्डिंग एक्ट करना इन सो फार एज दे रिलेट टू द फंक्शन ऑफ द ऑर्गन और अथॉरिटी जिस हद तक वो उससे कंसर्न करते हैं जिस हद तक इससे वो ऑर्गन या अथॉरिटी रिलेट करता है उस ऑर्गन या अथॉरिटी के फंक्शन जिस हद तक इन प्रिंसिपल से रिलेट करते हैं वो उसकी ज़िम्मेदारी है कि उस हद तक वो उन पर अमल करे ये आर्टिकल ट्वेंटी नाइन का क्लॉज वन हमें बताता है देन आर्टिकल ट्वेंटी नाइन क्लाज टू कहता है इन सो फार एज द ऑब्जर्वेंस ऑफ एनी पर्टिकुलर पॉलिसी मे बी डिपेंडेंट अपॉन रिसोर्स बींग अवेलेबल अगर हमने ये देखना हो कि कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी किस हद हाँ तक ऑब्जर्व किया गया है या इस पर किस हद हाँ तक अमल हो सकता है तो वो हमें पता चलेगा कि हमारे पास रिसोर्स कितने अवेलेबल हैं दिपल्डिड एज बी सब्जेक्ट टू द अवेलेबिलिटी ऑफ यानी कि वो यही कह रहा है कि जो प्रिंसिपल्स हैं या जो कोई पर्टिकुलर प्रिंसिपल है उस पर अमल उसी हद हाँ तक हो सकता है जिस हद हाँ तक हमारे पास रिसोर्स अवेलेबल होंगे क्लास थ्री कहता है इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ईयर हर साल जो प्रेजिडेंट है वो फेडरेशन के रिलेशंस के अफेयर्स को यानी कि फेडरेशन के अफेयर्स को और जो गवर्नर है वो प्रोविंस के अफेयर्स से रिलेटेड जो है प्रिपेयर करेगा क्या प्रिपेयर करेगा आ रिपोर्ट रिपोर्ट प्रिपेयर करेगा किस और उस रिपोर्ट में क्या होगा उस पर ये होगा कि प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी पर जो है वो किस हद हाँ तक उनको ऑब्जर्व किया गया और इम्प्लीमेंटेशन उन पर किस हद हाँ तक हुई इस साल में और उस रिपोर्ट को जो प्रेसिडेंट है वो मजलिस शूरा में भेजेगा और जो गवर्नर है उसको प्रोविंशियल असम्बली में सबमिट कराएगा तो क्या था कि जी हर साल जो प्रेसिडेंट है वो फेडरेशन के अफेयर्स से रिलेटेड और जो गवर्नर है वो प्रोविंस के अफेयर्स से रिलेटेड एक रिपोर्ट प्रिपेयर करेंगे और उस रिपोर्ट को जो प्रेसिडेंट है वो पार्लियामेंट में और जो गवर्नर है वो प्रोविंशियल असेंबली में पेश करेगा और उस रिपोर्ट में ये होगा कि आज यानी कि इस साल जो है प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी पर कितना अमल हुआ और इनको किस हद तक ऑब्जर्व किया गया इसके बाद द प्रोविजन शैल बी मेड इन द रूल्स ऑफ प्रोसीजर ऑफ नेशनल असम्बली एंड सेनेट और एज द केस में भी द प्रोविंशियल असम्बली यानी कि इसके बाद जो एक प्रोविजन बनाई जाएगी जिसमें यह कहा जाएगा कि प्रोविंशियल असम्बली में नेशनल असम्बली और सेनेट में इस रिपोर्ट को डिस्कस किया जाए इस पर बहस की जाए इस पर डिस्कशन हो यह हमें क्लॉज थ्री बताता है देन आ जाता है रिस्पॉन्सिबिलिटी विद रिस्पेक्ट टू प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी आर्टिकल थर्टी कह रहा है द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डिसाइडिंग इस चीज़ को डिसाइड करना कि कोई भी जो ऑर्गन या अथॉरिटी है या कोई भी पर्सन है जो उस ऑर्गन या अथॉरिटी के बिहाफ पे काम कर रहा है द रिस्पांसिबिलिटी ऑफ डिसाइडिंग वेदर एनी एक्शन ऑफ एन ऑर्गन और अथॉरिटी ऑफ़ द स्टेट और ऑफ अ पर्सन परफॉर्मिंग फंक्शन ऑन बिहाफ ऑफ एन ऑर्गन और अथॉरिटी ऑफ़ द स्टेट यानी कि इस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी किस चीज़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी ये डिसाइड करना कि ऑर्गन या अथॉरिटी का जो एक्ट है वो प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अकॉर्डिंग है या नहीं तो ये किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है ये उसी ऑर्गन और अथॉरिटी या पर्सन की रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि कंसर्न है जो उससे मुतलिक है कोई और इदारा आके उसमें इंटरफेयर नहीं कर सकता कि आपका ये एक्शन प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी के अकॉर्डिंग uh, नहीं है ये उसी ऑर्गन अथॉरिटी या पर्सन की ज़िम्मेदारी है कि वो उसको ऑब्जर्व करे ठीक है ये था आर्टिकल थर्टी क्लॉज वन देन आर्टिकल क्लॉज है है ये वो चीज़ है जो इसको नॉन ऑपरेटिव बनाता है द वैलिडिटी ऑफ एन एक्शन और ऑफ ला शेल नॉट बी कार्ड इन क्वेश्चन ऑन द ग्राउंड एट इट इज नॉट इन अकॉर्डेंस विद ऑफ पॉलिसी किसी भी ऑर्गन या अथॉरिटी के एक्ट को या लॉ को इस बुनियाद पर ऑफ पॉलिसी के, के अकॉर्डिंग नहीं है उस पर सवालात नहीं उठाए जा सकते एंड नो एक्शन शेल लाई अगेंस्ट द स्टेट और एनी ऑर्गन और अथॉरिटी ऑफ द स्टेट और एनी पर्सन ऑन सच ग्राउंड और किसी भी स्टेट के ऑर्गन या अथॉरिटी या उस पर्सन के अगेंस्ट जो है वो एक्शन नहीं लिया जा सकता इस बुनियाद पर कि यह प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी के अगेंस्ट है तो ये वो क्लॉज है जो इसको नॉन ऑपरेटिव बनाती है देन uh, हमारे पास आ जाता है आर्टिकल थर्टी वन अब ट्वेंटी नाइन और जो थर्टी थे उन्होंने प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी को जो है वो डिफ़ाइन किया और उन्होंने बताया कि इसको ऑब्ज़र्व करना हर इदारे की अपनी ज़िम्मेदारी है और इस चीज़ को जो है वो ज़बरदस्ती इनफोर्स नहीं कराया जा सकता देन वो प्रिंसिपल्स कौन से हैं वो थर्टी वन से शुरू हो रहे हैं पहला प्रिंसिपल है इस्लामिक वे ऑफ लाइफ जैसा कि हम सब जानते हैं कि पाकिस्तान इस्लाम के नाम पे बना था इसलिए पाकिस्तानी जो हैं वो अपनी ज़िंदगी को इस्लाम के मुताबिक ही गुजारेंगे steps shall be taken to enable the muslims of pakistan individually and collectively to order their lives in accordance with fundamental and basic principles of islam यानी कि उन्होंने कहा कि steps लिए जाएंगे ताकि मुसलमानों को काबिल बना दिया जाए कि वो अपनी जिंदगियों को जो इंडिविजुअली और कलेक्टिवली है वो इस्लाम के बेसिक प्रिंसिपल्स के मुताबिक गुजार सकें। एंड टू प्रोवाइड फैसिलिटीज़ वेयर बाय दे मे बी इनएबल टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ लाइफ अकॉर्डिंग टू होली कुरान एंड सुन्ना और उनको फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी कि वो अपनी जिंदगी के मकसद को है वो होली कुरान और सुन्ना के मुताबिक समझ सकें देन आ जाता है आर्टिकल थर्टी वन क्रॉस टू द स्टेट शेल एंडिवर एज रिस्पेक्ट द मुस्लिम्स ऑफ पाकिस्तान स्टेट्स जो है वो स्टेप्स लेगी मुस्लिम ऑफ पाकिस्तान सॉरी पाकिस्तानी मुस्लिम्स के लिए और वो स्टेप्स कौन से हैं टू मेक द टीचिंग ऑफ होली कुरान एंड इस्लामियत कंपल्सरी होली कुरान और इस्लामियत की जो तलीम है उसको लाजमी करार दिया जाए टू इंक्रेज एंड फैसिलिटेट द लर्निंग ऑफ इराबिक लैंग्वेज इराबिक लैंग्वेज को uh, सीखने के लिए फैसिलिटीज़ प्रोवाइड की जाएंगी और इस चीज़ को इंक्रेज किया जाएगा एंड टू सिक्योर करेक्ट एंड एग्जैक्ट प्रिंटिंग एंड पब्लिशिंग ऑफ होली कुरान और जो होली कुरान है उस चीज़ को सिक्योर किया जाएगा कि उसकी जो पब्लिशिंग और प्रिंटिंग है वो एग्जैक्ट हो उसमें कोई गलतियाँ ना हों देन आ जाता है टू प्रोमोट यूनिटी एंड ऑब्ज़र्वेंस ऑफ इस्लामिक मॉरल स्टैंडर्ड्स मुसलमानों में यूनिटी को प्रमोट किया जाएगा और इस चीज़ को यकीनी बनाया जाएगा कि वो अपने जो इस्लामी कदरें हैं इस्लामी असूल हैं उनको ऑब्ज़र्व करें देन है टू सिक्योर द प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ़ जक़ात उशर काफ़ एंड मोस्ट यानी कि ऑर्गेनाइजेशन प्रॉपरली बनाई जाएंगी उनको सिक्योर किया जाएगा ताकि जो जक़ात है उशर है या मस्जिदें हैं उनको ठीक तरीके से चलाया जाए ज़क़त और उशर की जो कलेक्शन है वो ठीक तरीके से हो तो ये थे हमारे पास इस्लामिक वे ऑफ लाइफ जिसमें पहला था कि जी मुसलमान अपनी ज़िंदगी इस्लाम के मुताबिक गुजारेंगे उनके लिए इस्लाम और इस्लामियात की एजुकेशन कंपलसरी होगी और उन कुरान की जो प्रिंटिंग है या पब्लिशिंग है वो एग्जैक्ट होनी चाहिए मुसलमानों में यूनिटी को प्रमोट किया जाएगा और ज़ुक़ात और उशर के निज़ाम को बेहतर किया जाएगा दैन आ जाता है आर्टिकल थर्टी टू प्रोमोशन ऑफ लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशनस अब लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कौन से हैं वो इंस्टीट्यूशंस जो लोकल एरियाज़ में बनाए जाते हैं जैसा कि हम देखते हैं कि हमारे मुल्क में जो है वो ऐसा ही निज़ाम है कि जो एम एन एम पी एस हैं वो आपको सिर्फ़ इलेक्शन के डेज़ में नज़र आएंगे उनसे मुलाकात करना इतना आसान नहीं होता एक लॉयर तबके के लिए तो ऐसी सूरत हाल में एक गरीब तबका अपने मिसाइल को लेके किसके पास जाएगा वो लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस के पास जाएगा जिसमें हमारे पास काउंसलर्स आ जाते हैं नाजम नायब नज़म आ जाते हैं तो उन्होंने कहा कि लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन को प्रमोट किया जाएगा द स्टेट शेल इंक्रेज लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन कम्पोज ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव एरियाज कंसर्न उसने कहा कि जो स्टेट है वो लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन बनाएगी उनको इंक्रेज करेगी और उन लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में कौन होंगे उसी एरिया के बंदे होंगे यानी कि किसी एक और एरिया का बंदा उस किसी दूसरे एरिया के लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन में नहीं होगा एंड इन सच इंस्टीट्यूशन और इन इंस्टीट्यूशन में स्पेशल रिप्रेजेंटेशन विल भी गिवन टू पेशेंट्स वर्कर्स एंड वुमेन फार्मर यानी कि किसानों को मज़दूरों को या औरतों को जो है वो स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दी जाएगी ताकि जो गरीब तबका है उसको भी वसायल मिल सके वो भी अपनी ज़िंदगी की बेहतरी के लिए काम कर सके तो इसमें पाकिस्तान में सबसे पहले लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन इंक्रेजमेंट के लिए इलेक्शंस हुए थे 2002 में जब परवेज़ मुशरफ आए तो उसने ये बलद्याती निज़ाम को जो है वो प्रमोट किया था देन आ जाता है आर्टिकल थर्टी थ्री एंड अदर सिमिलर सिमिलर प्रिजुडाइस टू बी डिस्करेज पेकिल का मतलब होता है नैरो माइंडेडनेस आप कह लें यानी कि एरिया वाइज जो डिस्क्रिमिनेशन है हमारे मुल्क में फ़र्क है उस चीज़ को एंड अदर सिमिलर प्रिजुडाइस टू बी प्रिजुडाइस का मतलब होता है इम्तियाज़ करना फ़र्क करना टू बी डिस्करेज इस चीज़ को उन्होंने कहा कि जो एरिया की बुनियाद पर या किसी और बुनियाद पे जो फ़र्क किया जाता है सिटीज़न्स में उस चीज़ को जो है वो स्टेट जो है वो डिस्करेज करेगी क्योंकि पाकिस्तान जब बनाया गया था तो उस वक्त भी कायद अजम ने बार बार कहा था कि मैनॉटीज़ को राइट्स दिए जाएंगे मैनॉटीज़ की जो है वो वेलफेयर के लिए भी काम किया जाएगा और आप जो है कायद अजम का जो है कि आप सिंधी बलोची पंजाबी या पठान बनकर ना सोचें बल्कि आप एक पाकिस्तानी हैं तो इन चीज़ों को उन्होंने कहा इनक्रेज किया जाएगा उनका स्टेट शेल डिस्करेज पेरोल मैंने आपको बताया एरिया वाइज डिस्क्रिमिनेशन रेशियल यानी कि ज़ात की बुनियाद पर पता है हमारे इलाकों में यही होता है कि ये ज़ात बढ़तर है ये जो है वो नकमी है या आप कह लें कि निचली ज़ात है तो उन्होंने कहा कि एरिया की बुनियाद पर नस्ल या जात की बुनियाद पर कबीले की बुनियाद पर सेक्टेरियन मज़हब की बुनियाद पर और प्रोविंशियल प्रिजुडाइस और प्रोविंस की बुनियाद पर कि ये पंजाबी है ये सिंधी बलोची है ये पठान है इन बुनियाद पर जो प्रिजुडाइज होता है जो फ़र्क होता है सिटीज़न्स के दरमियान उस चीज़ को जो स्टेट वो डिस्करेज करेगी क्योंकि पाकिस्तान के तमाम इक्वल हैं चाहे वो किसी भी जात किसी भी एरिया किसी भी कबीले किसी भी मज़हब या सूबे से ताल्लुक़ रखते हों देन आ जाता है फुल पार्टिसिपेशन ऑफ वुमेन इन नेशनल लाइफ यानी कि नेशनल लाइफ यानी कि जो नेशनल इदारे हैं उनमें वुमेन भी फुली पार्टिसिपेट करेंगी स्टेप्स चेल बी टेकन टू इंश्योर फुल पार्टिस इन आल स्फेयर्स ऑफ नेशनल लाइफ यानी कि नेशनल लाइफ के जो तमाम इदारे हैं या तमाम स्फ़ेयर्स हैं उसमें वुमेन की पार्टिसिपेशन को भी यकीनी बनाया जाएगा इस चीज़ में हम देख देते हैं कि हर पोस्ट पर या कोई भी अगर कोई जॉब भी आती है तो उसमें वुमेन के लिए अलग से कोटा होता है कि अगर वो मेरिट पर नहीं आ सकती तो, तो वो अपने रिजर्व सीट्स पर आ जाएँ तो इस चीज़ को यकीनी बनाया जाएगा अब तो क्या हमने देखा कि देखें प्रिंसिपल्स ऑफ पॉलिसी ठीक है इन नॉन ऑपरेटिव है लेकिन फिर भी इन पर बहुत हद तक अमल हो भी रहा है जिस तरह हम देखते हैं कि इस्लामियत और होली कुरान की एजुकेशन भी कंपलसरी होती है मिडिल तक तो देन ग्रेजुएशन लेवल पे भी जो इस्लामिक स्टडीज़ है वो कंपलसरी एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट भी होता है और वुमेन को भी फुली पार्टिसिपेशन का जो मौका दिया जाता है आ, लोकल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस भी हमारे यहाँ काम कर रहे हैं आ, तो ठीक है इनको बहुत हद तक तो इनको अमल इन पर अमल नहीं होता लेकिन फिर भी होता ज़रूर है तो इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इसके जो है नेक्स्ट आर्टिकल्स को देखेंगे तब तक के लिए इजाज़त दीजिए अल्लाह हाफिज़